हाय फ्रेंड्स, मैं हूं मानव। वेलकम टू मूवी शो। भी करते हैं आपस में दुलार वाला नमस्कार, यानी पॉजिटिव नमस्कार की दो फिल्में जो कि अलग अलग क्षेत्र से आ रही हैं, कुछ हिंदी बेल्ट से आ रही हैं और एक तमिल तेलुगु सेगमेंट से आ रही हैं, वो मिल के जो है डी यू यहाँ से उठा लें, एल एल ए आर वहाँ से उठा लें, तो सलार और डंकी को मिला के हम दुलार बना लें, और ताकि एक प्रेम बना रहे, क्योंकि बहुत कड़वाहट है यार, बहुत कड़वाहट है। और कल भी मैंने आपको बताया था, ये जो अगली बिजनेस है जो एंटरटेनमेंट के पीछे चल रहा होता है, वो काफ़ी ज़्यादा अगली होता चला जा रहा है। उसके बारे में हमने डिटेल में बात करी थी, तो इस वीडियो में कुछ नेगेटिव नहीं करेंगे, बट सलार डंकी से इस समय काफ़ी ज़्यादा आगे चल रहा है। मैंने बहुत सारे वीडियो देखे कि डंकी ने ये छक्के मार दिया, वो छक्का मार दिया, ये कर दिया, वो कर दिया, जेन्युइनली मारा है, बट सलार जो है वो और भी ज़्यादा आगे चल रहा है। तो जब मैंने आपको रिपोर्ट करना शुरू किया था, तो डंकी के करीबन $28,000 के टिकट्स बिके थे, वो आज इंक्रीज होते होते 700,000 यानी $7,00,000 के टिकट्स बिक चुके हैं, और काफ़ी अच्छे तरीके से वो प्रोग्रेस भी कर रहा है। तो ये देख के अच्छा लग रहा है कि वही वो इतना अच्छा रिस्पेक्टेबल नंबर बहुत जल्दी जल्दी कूदी मार के पहुंच रहा है, और वो इसलिए भी फैक्टर है क्योंकि मूवी भी अब रिलीज होने के लिए सिर्फ 7 दिन ही बचे हैं। वहीं पर अगर हम बात करें सलार की, क्योंकि उसके पास एक ऑलरेडी बेस तैयार था, उसके पास ऑलरेडी वो 28 सितंबर वाला डेटा बेस तैयार था जिसके अंदर लोगों ने टिकटें बुक कर ली थी, तो वो था 4.7 लाख की टिकटें डॉलर के अंदर, जो कि 18,000 टिकटें वहाँ की बनती हैं, और ये महंगी टिकटें हैं उससे। और जब मैंने रिपोर्ट शुरू करा था तो यहाँ से था, कल तक 1.3 मिलियन था और आज हो गया 1.6, यानी कि 16 लाख $16 की टिकटें इसमें बिक गई हैं। अब 7 दुनी होता 14, ये है 16, तो ये 2.25 टाइम्स ज़्यादा चल रहा है अभी इस टाइम पे प्रभास की सलार। शोज भी ज़्यादा हैं और बुकिंग भी ज़्यादा है, और इंटरेस्ट लेवल ऑन BMS भी बहुत तगड़े तरीके से बहुत ज़्यादा है। अगर आप सलार की बात करें तो वो 1 मिलियन इंटरेस्ट लेवल पे पहुंचा हुआ है, पिछली बार वो 7.5 पे था, डंकी वहीं 1.5 के आसपास था, जब मैंने लास्ट बताया था वो 2.5 के आसपास पहुंच रहा है, तो बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। अब ये क्या बताता है, वो सिर्फ एक ही चीज़ इंडिकेट करता है, ये फाइनल कलेक्शन के ऊपर बिल्कुल भी इंडिकेट नहीं करता, ये इंडिकेट करता है कि जो क्वांटम ऑफ पीपल हैं जो साउथ के अंदर हैं, जो कि फैन बेस है, वो काफ़ी ज़्यादा बड़ा होता है। और वो बड़ा क्यों होता है, क्योंकि वहाँ पर टिकटें कम होती है, वहां पर हॉल्स बहुत सारे हैं, वहां पर फैन बेस इस वजह से बनता है। जो कि अगर आप हिंदी बेल्ट के अंदर देखें तो वहां मल्टीप्लेक्स वगैरह ज्यादा होते हैं और सिंगल स्क्रीन्स कम होते हैं, टिकटें महंगी होती हैं, तो फैन बेस गोइंग टू द थिएटर थोड़ा कम होता है, तो उनका जो बिहेवियर होता है वो ये पे डिपेंड करता है कि मूवी किस तरीके की। अगर वो चल जाती है तो फिर वो जो जैसे कहते हैं किसी रीजन की मूवी है उससे भी ज्यादा बिजनेस कर लेती है वो। तो टेक्निकली स्पीकिंग सलार को क्योंकि प्रभास है इसके अंदर, तो पैन इंडिया प्रॉपर मूवी माना जा सकता है, ये कोई ऐसा डब्ड वर्जन की तरह कोई नहीं देखेगा। और जिस तरीके की डबिंग है इसके अंदर और जितना कुछ अभी देखा है वो ठीक ठाक है, एक्सेप्ट द फर्स्ट सॉन्ग, उसमें मेरा बिल्कुल ही स्ट्रांग ओपिनियन है कि वो इतना दमदार नहीं है, लेकिन जितना सुना है ट्रेड के अंदर, जो सेकेंड वाला जो आपका ट्रेलर आने वाला है वो आपकी बिल्कुल होश उड़ा देगा, और वो इंडिकेट करेगा कि भाई आपको ये मूवी क्यों देखनी चाहिए। वहीं पर अगर हम डंकी और सलार के टोटल्स मिनट्स के बारे में भी बात करें कि आपको कितना देखने को मिलेगी, तो 2.41 मिनट्स को का UA सर्टिफिकेट मिला है डंकी को, यूनिवर्सल एडल्ट, जो कि एक एडवांटेज है क्योंकि बहुत सारे लोग इन फैमिलीज देख पाएंगे। वहीं पर सलार को A सर्टिफिकेट मिला है, लेकिन एनिमल ने बता दिया A हो चाहे D हो चाहे Z हो, अगर चमक गई पिक्चर तो फिर वो सारे लोग एडल्ट्स भी जाके इसको हिट बना देंगे। इसको 2.55 मिनट्स के आसपास का एडल्ट सर्टिफिकेट मिला है, यानी 2 घंटे 55 मिनट, तो ये लंबी पिक्चर होगी, और अगर एक्शन जम गया, इमोशन जम गए, तो फिर ये लंबा जा सकती है। डायरेक्टर साहब की माने, जैसे कि डंकी का भी क्लेम है, हमने ट्रेलर में आपको कुछ भी नहीं दिखाया है, इसमें बहुत कुछ है देखने के लिए। होपिंग फॉर द बेस्ट फॉर बोथ द मूवीज, हम इसको बहुत ही मेरिट के ऊपर जज करने वाले हैं। ना तो मैं शाहरुख खान का फैन हूं, ना मैं सलमान खान का फैन हूं, ना तो मैं किसी रणबीर कपूर का फैन हूं, ना बॉबी देओल का फैन हूं, ना प्रभास का फैन हूं, मैं मूवीज का फैन हूं। तो अगर ये दोनों मूवीज अच्छी होंगी तो अच्छा बोलेंगे, हम तो चाहेंगे कि भाई वो हिस्ट्री जो 2001 में रिपीट हो, 2001 जैसी हो, जैसे कि जब गदर ओरिजिनल वाली सबसे ज्यादा बड़ी हिट हुई थी, और उसके साथ लगान भी बहुत बड़ी हिट हो गई थी, बड़े बड़े नंबर 2 बार ही आए थे, तो ऐसा हो इसके साथ भी। ऑल द बेस्ट टू बोथ द मूवीज। आपकी जो चॉइस है वो आपको बताइए, कमेंट करके बता देना कि आपकी फर्स्ट चॉइस कौन सी होगी, कौन सी मूवी आप पहले देखोगे। जब चॉइस बताओ अपनी, डंकी बोलो या सलार बोलो, अपना रीजन जरूर ब्रैकेट में डाल देना कि मैं आंध्र प्रदेश से हूँ, मैं दिल्ली से हूँ, मैं बॉम्बे से हूँ, वो भी डाल देना, उससे थोड़ा सेंस बन जाता है कि कौन सा रीजन क्या चॉइस ले रहा है। बाय बाय।